छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी है। बस्तर जिला भी कोरोना से अछूता नहीं है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की जा रही है। इस बीच संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए शासन प्रशासन तमाम कोशिशें कर रहा है। ईटीवी भारत ने इसे लेकर जानकारों और डॉक्टरों से बात की और पता लगाया कि जिले में कोरोना के इलाज के लिए अस्पतालों में क्या इंतजाम है। जिले के हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन बेड, आइसोलेशन वार्ड की सुविधा जैसी जानकारी को लेकर हमने बस्तर CMHO से बात की। कोरोना नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन के साथ मुस्तैदी से तैयार हैं, उसकी व्यवस्था करने के लिए। वहाँ ऑक्सीजनेटेड बेड वर्तमान में 165 है, वो बढ़ करके 195 हो जाएगा और कुल 260 की कैपेसिटी वहाँ पर हो जाएगी। बिस्तरों की उपलब्धता को लेकर CMHO ने विस्तार से बताया कि बेड की संख्या को लेकर स्वास्थ्य अमला कितना तैयार है। हम लोग, हमारे पास 1400 करीब का, मतलब हमारे पास अलग अलग साइट पे बेड की उपलब्धता है। उस बेड में हम लोग 300 बेड को यानी कि ऑक्सीजनेटेड बेड करने का प्लानिंग कर रहे हैं, जिसमें धर्मपुरा में 100 बेड और बकावंड में 100 बेड और बसोली जो आइसोलेशन है वहाँ पर भी 100 बेड। आइए अब आंकड़ों से जानते हैं कि बस्तर में बिस्तरों की संख्या की क्या स्थिति है। बस्तर जिले में करीब 1400 बेड की सुविधा है, जिसमें से डिमरापाल के अलावा धर्मपुरा कोविड केयर सेंटर में 250 बेड की सुविधा है। बकावंड कोविड केयर सेंटर में 500 बेड की सुविधा है। बेसोली कोविड केयर सेंटर में 400 बेड की सुविधा है। MPM निजी अस्पताल में 50 बेड की सुविधा है। रवि रेसिडेंसी कोविड केयर सेंटर में 40 बेड की सुविधा है। लुक्कड़ भवन कोविड केयर सेंटर में 38 बेड की सुविधा है। वहीं अगर जिले में ऑक्सीजन सिलेंडर की बात की जाए तो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स में पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन सिलेंडर हैं। सिलेंडर हमारे पास जो अभी कुछ हम लोग परचेस करने जा रहे हैं और वो कोविड केयर सेंटर के लिए ज़रूरत पड़ेगा। डेडिकेटेड हॉस्पिटल के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में है और वर्तमान में वहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट भी स्थापित हो चुका है। जिले की व्यवस्थाओं को लेकर जानकारों की क्या राय है, सुनिए। ग्रामीण एरिया में ध्यान देने की जरूरत है। सॉरी, जो RT-PCR के जो टेस्ट हो रहे हैं उसकी रिपोर्ट 3 दिन में आती है, कभी 4 दिन में आती है, जबकि होता यह है कि 3-4 दिन में अब जो स्थितियाँ आ रही हैं, जो न्यू स्ट्रेन आया है उसमें स्थितियाँ आ रही है कि आदमी को 24 घंटे 48 घंटे भी नहीं मिल रहे हैं संभालने के लिए। तो अब ये ज़रूरी है कि कम से कम अब कोविड को लेकर 2 या 3 लैब और बढ़ाई जाएँ, ताकि सुबह टेस्ट किया जाए, शाम तक रिपोर्ट मिल जाए, ताकि शाम तक रिपोर्ट मिलते ही इलाज चालू किया जा सके। एक तो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, लोग जागरूक नहीं है, ज़्यादा लिटरेसी भी नहीं है बस्तर में, इन कुछ चीज़ ध्यान रखते हुए लैब बढ़ाने की ज़रूरत है और स्टाफ बढ़ाने की ज़रूरत है। हालांकि जिला प्रशासन के पास अभी भी एम्बुलेंस के साथ साथ शव वाहनों की कमी है, जिसके लिए मरीजों को 2-4 होना पड़ रहा है। कोरोना टेस्टिंग भी बढ़ाए जाने की जरूरत है। फिलहाल जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग बस्तर में कोरोना से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन और सुविधा होने की बात कह रहा है। अशोक नायडू, ETV भारत, जगदलपुर।